नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने MCP होम क्रिएशन चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ हरे धनिया टमाटर की तीखी सी चटनी, जिसे सब्जी या दाल या पुलाव वगैरह कुछ भी हो खाने में साथ लेंगे तो आपका खाने का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, 50 ग्राम लिया है, और बहुत अच्छे से 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया है। आगे से डंठल काट के निकाल दिए हैं, और 5 मैंने जो है हरी मिर्च ली है। चटनी में तीखा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2 मिर्च बढ़ा के ली है, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिंजर का टुकड़ा, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और इसमें 4 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, ज़्यादा टमाटर बढ़ाएंगे तो टमाटर जैसा टेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से तैयार करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में बनाना। मिक्सर ग्राइंडर के जार में सबसे पहले हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है डाल लेंगे। और इसमें टमाटर को जो है मोटा मोटा काट के डाल लेंगे। इसमें डालने के लिए थोड़ा सा हम पानी लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, 1 चम्मच जितना पानी जो है हम इसमें ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। इसको स्टॉप करके आप इसे चेक कर लेंगे। देखिए मसाला जो है पूरा दरदरा हो चुका है, अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बन चुका है। अब इसमें जो है हम धनिया जो है ऐड कर देंगे, एज इट इज़ हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, और जार को बंद करके ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। चटनी हमारी लगभग तैयार है, देखिए, और थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए जो है अपने अकॉर्डिंगली सॉल्ट, नमक यानी ऐड करेंगे। नमक हम पहले भी ऐड कर सकते हैं। ओपन करके देखिए चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, और बहुत पतला पेस्ट नहीं है, दरदरा पेस्ट है। बाउल में मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब आप अपनी फैमिली में इसे खाने के साथ बना के सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरे हरे धनिया टमाटर की चटनी? मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी फैमिली में बना के इसके टेस्ट का पूरा मज़ा लीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।